थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी भैया खेसारीलाल यादव जी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस संघर्ष को देखिए, आप लोग अपना प्यार दीजिए, उसी के लिए आए हैं जी। और एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है बेटा, मैं करता हूँ आपको रिशू करता हूँ बेटा, और उसी के लिए हम आए हैं ताकि अपनी एक बेहतरीन चीज़ों को दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक सिनेमा ही जरिया है जो अपने भोजपुरी को बड़ा कर सकता है। जिस तरह साउथ ने बड़ा किया, उसी तरह एक सिनेमा ही जरिया है जो बड़ा कर सकता है। इसीलिए हम भी आए हैं कि दुनिया तक पहुंचाएं कि आप लोग भी जो जागरूकता साउथ में है वही जागरूकता हमारे भोजपुरी में भी आए, ताकि हमारा एक माध्यम बने बड़ा करने। काफी शानदार कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी है भैया, लगातार दो महीने से चर्चा हो रही थी। तीन तीन ट्रेलर के बाद गर्म काफी हो गया है वो इंडस्ट्री, क्या कहेंगे, कल फैन काफी उत्साहित है इस चीज को लेकर? देखिए यही तो इसी के लिए तो हम लोग किए हैं, ताकि हमारा फैन है और हमारे लोग जो हमारी भाषा है, हमारे भाषा के लोगों को जो हर जगह बोला जाता है कि इस भाषा में वो बातें नहीं है, तो ये दुनिया को बताने के लिए है। अगर भोजपुरी के बिहार के लोगों ने इस पर अपना 110% दिया, जिस तरह हम कलाकारों ने भी दिया है, तो मुझे लगता है कि ये नील का पत्थर साबित होगा, जिसका नाम संघर्ष है, संघर्ष 2। पहली बार प्रीमियर हो रहा है भैया को ग्रैंड लेवल पे, आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का प्रीमियर नहीं किया गया, भारत में पहली बार ही होता है, हमारे जीवन में सब कुछ पहली बार होता है। तो चलिए अभी देखिए खेसारी लाल यादव जी के लिए काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, और अभी भैया खेसारी लाल यादव जी अपना संघर्ष 2 मूवी अपना एयरपोर्ट पर, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बातें जानने हैं संघर्ष 2 मूवी को लेकर, और संघर्ष 2 मूवी जनता को पसंद आएगी, जनता कितना उसको देखना चाहेगी उसी मुद्दे पर हम लोग अभी कुछ और जानेंगे, जो कि काफी यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, जो कि छोड़ रहा है, हो गया नहीं।